प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम जो हुआ हिस्ट्री पेपर का, उसी का आंसर की आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग आंसर मिलान कर लीजिए। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? बताया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो यह है मेसोपोटामिया। तो यहाँ पहला का हो जाएगा, और सॉरी पहला का हो जाएगा तीसरा, मेसोपोटामिया। दूसरा है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी तट पर हुआ था? तो यह हुआ था आपका दजला फरातनी नदी पर। तो दूसरा का हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया की लिपि थी, तो मेसोपोटामिया की लिपि थी आपका किलाक्षर लिपि। यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा। तीसरा का हो जाएगा दूसरा, किलाक्षर लिपि। चौथा है, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो मरदयूक थे। यहाँ चौथा का हो जाएगा पहला, मरदयूक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस नगर में बारकाशेस मिला है? तो बारकाशेस आपका मिला है उरुक पर। तो यहाँ पहला हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, महाकाव्य गिलगमेश के कितनी पटिकाओं में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बच्चों आपका 12 पटिकाओं में। तो यहाँ हो जाएगा आपका छठा का दूसरा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे? तो ये आने लगे थे आपका 3000 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ हो जाएगा पहला। आठवां नंबर क्वेश्चन है, पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली थी, तो कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी आपका उरुक में। यहाँ हो जाएगा आठवां का दूसरा, उरुक में। नौवां नंबर क्वेश्चन है, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो ये थे असीरिया के। तो यहाँ हो जाएगा पहला ऑप्शन, असीरिया। दसवां नंबर है, किस सभ्यता में जल घड़ी और शूल घड़ी का आविष्कार किया गया? तो यह किया गया था आपका बच्चों यूनान में। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है। दस के बाद ये शायद 11 है। तो रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था? तो रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, सब में हुआ था। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। और ये है 12 क्वेश्चन, हमको लगा ये 2 नंबर है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, रोम अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था? तो ये आधारित था दास श्रम पर। यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दास श्रम पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, चार राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी जूलियस सीजर ने। यहाँ हो जाएगा दूसरा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा आपका है मिट्टी का कंटेनर। यहाँ पहला ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई धर्म को रोम का राज धर्म किसने बनाया? तो ये बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। तीसरा ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस रोम शासक ने डोमिनस एंड डियस की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी बच्चों जूलियस सीजर ने। तो यहाँ हो जाएगा आपका पहला। 17 नंबर क्वेश्चन है, फैक्स रोमाना क्या है? तो वो है रोमन शांति। यहाँ हो जाएगा 17 का पहला। 18 है, एकल परिवार क्या है? तो पुरुष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, यही है एकल परिवार। यहाँ चौथा ऑप्शन आपका सही है। 19 नंबर है, गृह युद्ध का अर्थ है, ये बताया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, सहस्त्र विद्रोह। यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा 19 का पहला। 20 है आपका, 31 ईस्वी पूर्व में आर्केटिवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया? तो ये हो जाएगा आपका 20 का चौथा, प्रिसेप्स का। तो यहाँ हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम का उदय कब हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में। यहाँ हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है,
मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं हिजरत। यहाँ हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस खलीफा की हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? तो यहाँ हो जाएगा अली। 24 है, मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ हो जाएगा मक्का में हुआ था, तीसरा ऑप्शन सही है। 25 है, निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? तो वो था सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा, यहाँ हो जाएगा पहला। 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, खंदक का युद्ध हुआ था? तो खंदक का युद्ध हुआ था 627 ईस्वी में, यहाँ हो जाएगा 26 का फोर्थ। 27 है, मोहम्मद साहब ने जोर दिया तो एकेश्वरवाद पर जोर दिया था, यहाँ पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिया था? तो ये दिया था आपका, दिख नहीं रहा ठीक से, बायजिद बिस्तामी को, यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही है। 29 है, गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था जिम्मी, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कुरान की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुई थी आपका अरबी भाषा में, पहला ऑप्शन सही है। 31 है, 5 क्या है? तो 5 आपका है जागीर, दूसरा ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्रेगोरी को, तीसरा ऑप्शन सही है। 33 है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो 33 का हो जाएगा दूसरा नाइट। 34 है, मार्क ब्लॉक कौन था? तो मार्क ब्लॉक था आपका इतिहासकार, यहाँ हो जाएगा तीसरा। 35 नंबर क्वेश्चन है, संत बेनेडिक्स और क्लाउनी क्या थे? तो ये थे आपका चर्च थे, चौथा ऑप्शन सही है। 36 है, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो ये लिखा आपका बच्चों जेफरी जोसर ने, चौथा ऑप्शन आपका सही है। 37 है, मॉन्क और नन रहते थे? तो ये रहते थे आपका मठ में, तीसरा ऑप्शन सही है। 38 है, किसने शार्ल मैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोम साम्राज्य का शासक नियुक्त किया? ये आपका है 38, 38 का हो जाएगा पॉल ने, चौथा ऑप्शन सही है। 39 है, फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे? तो वो आते थे पादरी, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, हल्का हल्का दिख रहा है। साल्सबरी कैथीड्रल कहाँ है? तो ये है आपका इंग्लैंड में, तो 40 का हो जाएगा 4। तो बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।